नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन 9 और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। नरसिंहपुर जिले में लगातार एक सप्ताह से बारिश होने से गर्मी की फसल मूंग को नुकसान हुआ है। किसानों द्वारा मूंग की फसल को पानी से भरे खेत से निकालकर NH-124 लाइन, जो कि निर्माण हो रही सड़क के एक साइड है जो चालू नहीं हुई है, उस पट्टी पर डालकर मूंग की फसल को सुखाया जा रहा है। किसानों ने बताया कि अधिक बारिश होने के कारण मूंग की फसल सड़ने लग गई, 90% मूंग खराब हो गई है। वहीं किसानों का कहना है कि बस मूंग की फसल तो अच्छी थी, लेकिन अचानक मानसून के आ जाने से फसल खराब हो गई। वहीं किसानों द्वारा गीली मूंग को सुखाकर जो दाने निकाले जा रहे हैं, उस मूंग को व्यापारियों द्वारा औने पौने दामों पर मांगा जा रहा है। किसानों का कहना है कि 13,000 की अगर मूंग निकलती है तो उसमें 11,000 मजदूरी लग रही है, फसल उठाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। अभी आपने जो रोड पे मूंग डाले हुए हैं, इससे कुछ फायदा मिल रहा है? इस पे तो मतलब फायदा था, जो फसल खेत में पड़ी उसको तो लाके उठाने पड़ेगा, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। कोई 13,000 लगा के 11,000 की निकाल रहे हैं। कितना नुकसान देखा यार? नुकसान अब लागत आगत तो ठीक है, मजदूरी लगा रहे हैं हम, 13,000 लगा रहे हैं, जब 11-12 हज़ार हाथ में आ पा रही है, 2,000 तो बेसी घाट जा रहा है मजदूरी। फिर तो वो बीज है, लागत है, दवाई है, वो सब खत्म। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए आईबीएन 9 के साथ।